मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो भैया, आज भी अभी उठे हम 12:15। एक बार सुबह उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेज दिया। ये तो ना लिए हैं, मैं भी अभी उठी हूँ, मैं रहती हूँ, ज्योति भी अभी उठी है। और घर का देखो अभी, वैसे तो साफ था पूरा घर रात को आए पर अभी नैना नहीं है, ये हमारा सारा सामान फैला पड़ा है यहाँ पे। सही हो रहा है, अभी पूजा कपड़े धो रही है, देखो सारा फैला पड़ा है, आराम से करूँगी। और पूजा धो रही है कपड़े। पूजा सुबह सुबह आज पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, कपड़े धो रही है। उसने दाल चावल बना दिए हैं और आटा हुआ रखा है नाश्ते का। किसी ने कुछ नहीं खाया अभी तक, अब खाएंगे, सब उठ गए हैं। सब मक्खन रोटी खाएंगे पहले, फिर दाल चावल खाएंगे, जिसको खानी है। दूध वगैरह गर्म कर दिया है, हस्बैंड ने किया है सब काम। और देखो सब सवाल फैला पड़ा। ये देखो सब सामान फैला पड़ा है, सबके शूज, चप्पल, अटैची खुली पड़ी हैं। ये मेरी अटैची अभी भरी पड़ी हैं, सब खोलूंगी। और दो पूजा कर रही है आज सुबह से काम, पूरी साफ सफाई कर रही है पूजा, कपड़े धो रही है, दाल चावल बना दिए इसने। और ये कन्नू और शानू खेल रहे हैं उठ के, बारबी डॉल के साथ। ये देखो इनके सैंडल पड़े हैं, ये दोनों खेल रही है मस्ती से। और अभी हम थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, काम निपटा के फिर मैं तो। सर्दी यहाँ पे आके पता लगा, बहुत सर्दी यहाँ पे, दिल्ली में तो थी नहीं बिल्कुल भी सर्दी। और कंबल उम्बल ओढ़ के सोए रात को, आए जब जैसे ही एंट्री की ना, तो पता लगा यहाँ पे बहुत सर्दी है। मैं तो शॉल ओढ़ रही हूँ। और अभी मैं पहले बनाऊंगी रील प्रमोशन की, काफ़ी दिन हो गए प्रमोशन की रील नहीं की मैंने, सबके फोन आ रहे हैं तो वो रील प्रमोशन की करूंगी। नाश्ता बना लेते हैं, दूध भी लोएंगे पहले, मक्खन रोटी खाएंगे, दूध भी लो लेते हैं। चिट्टी आ गई दाल में, दाल चावल बना चुकी है पूजा, चावल डिब्बे में भर दिए हैं। ये देखो ठीक है, दूध बनाऊ, बच्चों का दूध बना दूंगा जी। ये मेरे सूट रहते हैं जो कि इजी वॉश होंगे सारे के सारे, इजी वाले कपड़े सब बाद में पहने जाएंगे, ये सब वॉश होंगे कपड़े। इजी के कपड़े सब मैं खुद वॉश करूंगी, सूट वगैरह, क्योंकि पूजा को इतना आता नहीं है इजी वॉश करना अच्छे से। और टावल है हमारे, जितने हम टावल ले गए थे सब सब गंदे हो चुके हैं, सब धुलेंगे टावल वगैरह। देखो धो चुकी है पूजा, फिर भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं। चलो बच्चों का दूध बना देती हूँ मैं अभी। विनर कौन बनेगा देखेंगे, कौन जल्दी जल्दी एक बूट में पीजा। अभी शानू को भी देंगे, और हम थोड़ा सा इससे पहले विन नहीं करना है। जल्दी 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 थोड़ा सा, जल्दी जल्दी नहीं हो जाओ। मैंने तो पहले से शानू को नहीं दिया बूट में, देखना
देखो शानू कर रहा है, शानू भी नहीं देखो। पीजा 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 दिल्ली दिल्ली गए थे हम बड़ी गाड़ी में शादी बता रहे हैं बनाया गया। ये सारा फैल गया यहाँ पे, इधर से खुल रही है रही, देखते हैं कि आया कि नहीं आया। आ गया गी। ये तो शक्कर शक्कर घी रोटी, शक्कर में घी डाल के और दाल चावल खा रहे हैं नाश्ते में और सो भी गए। देखो लो, हाँ सुनो खाना ले लो, हम तो चाय रोटी खाएंगे। बाहर कमरे में सोइयो, मैट बिछाना पड़ेगा। इसकी रोटी खानी देखो पूजा की, पहले ना हूँ खाओगी सूखी रोटी मुंह तो तोड़ के, यार कौन सी आदत है। मैंने तू बहुत बार देख ली, पहले ना नहीं तोड़ तोड़ के खाओगी रोटी ना, बाद में फिर सब्जी सब्जी लगाओगी। साइड में तो जो निकली हो है ना वह शेप दिया, बना के खाओ रोटी की। बच्चे भी मक्खन रोटी खा रहे हैं, ये देखो शानू दोनों ना लिए हैं, दोनों बच्चे ना लिए हैं। व्लॉग एडिट कर रही थी अभी और एकदम से पता लगा कि दोनों लड़कियां घर से गायब हो गई हैं और दिमाग खराब हो गया मैं, जो मुझे भी भागना पड़ रहा है। अभी तो यहीं थी वो 5 मिनट पहले ही, और ज्योति बोल रही है कि मैंने भी यहीं देखा था, मेरे कानों में लीड लगी हुई थी, मुझे पता नहीं कहाँ चली गई दोनों की, दोनों घर से बाहर। कैमरा भी देखना पड़ेगा, अभी कैमरा चेक करना पड़ेगा मुझे, कैमरे चला के फटाफट से, पता नहीं दोनों कहाँ चली गई हैं। कई बार तो छुप जाती हैं और काफ़ी टाइम हो गया मिल नहीं रही हैं दोनों की, दोनों पता नहीं कहाँ चली गई। ये बातें करती करती ये छत पे गई हुई थी पूजा ज्योति, कैमरे चेक करने पड़ेंगे, कैमरे में देखना पड़ेगा। वो दोनों ढूंढ रही हैं उनको, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, पहले ही काम नहीं निपटा और इन्होंने काम बढ़ा दिया। वैसे ही रील वालों के फोन आ रहे बहुत ज़्यादा, तो ढूंढ लेते पता नहीं कहाँ चली गई। जाओ तुम ढूंढ लो पूरा, फोन करके पूछ ले कभी पूजा वाले घर पे चली गई हो, अलमारी के पीछे तुम ना देख लो ना, छुप रही होंगी वे, कितना 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 छुप जाए, छुप के बैठ जाए, मतलब इतने बड़े घर में अंदर बाहर जाने में भी इतना टाइम लगता है, तुमने नहीं देखा था, सुन नहीं रहे क्या। हाँ बच्चे दोनों बच्चे गुम हो गए, शानू और चुन्नू पता नहीं कहाँ, कन्नू पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पर नहीं सारे घर में ढूंढ लिया, उधर पूछ लिया फोन करके, उधर दूसरे घर भी, ए ऊपर देखा छत पे, कितने छुप रही होंगी बहन, इतना सरप किसने घेरा है, इतना सरप ऊपर देख, तू ऊपर देखा है, ऊपर देखा, दिमाग खराब हो गया। बताओ पीछे भी तो किसके, आज चल के फोन करना पड़ेगा। हम तो नाश्ता कर रहे थे, निकल गई नाश्ता, ये नाश्ता कर रही थी और ऊपर छत पे कपड़े वगैरह सुखा रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, दोनों इतनी बदतमीज हैं, हाथ पकड़ के चली। दीदी मिलेगी ना तो पिटेगी मेरे से बहुत, कहीं भी नहीं है दीदी, यहाँ भी नहीं है ऊपर।
देख है ऊपर गाड़ी में तो नहीं, इसमें तो है नहीं, पागल है वे नीरी, पता ना कि चली गई होंगी, दिमाग खराब कर दिया। ये इस बाथरूम में देख ले, ज्योति इस बाथरूम में देखा कदे, यहाँ पे छुप रही हो, मेरी तो बहन धड़कन बढ़ गई कती मेरी, ओ तेरी की तुम कैसे घुसी, कैसे घुसे तुम यहाँ पे, पागल हो, पागल हो, दिमाग चल रहा था, मारी आवाज से रख गई थी कती, निकलो बाहर, कहाँ से घुसे तुम, खिड़की खुल रही होगी पक्का, हाँ गाड़ी खुली पड़ी है, देख चप्पल भी पड़ी इनके अंदर ही, देखो पहले गई, पहले यहाँ बैठी है गाड़ी में और फिर यहाँ से यहाँ, ओ तेरी, ये देखो हमने कुल 10 मिनट ही छोड़ा होगा इनको, 10 मिनट में इन्होंने मारा, फोन था ना, फोन मेरी पता है धड़कन कितनी बढ़ रही थी, गुम होती ना तेरे, उसकी आवाज बंद कर, देख लो इसने, उसकी आवाज बंद कर दे ना, थारे बाबू ने के जवाब देती तुम्हें, हैं के कहते घर वाले, कहते मौसी के घर जाकर गुम होगी, कहते गुना बुंडा वो है, दिमाग खराब कर दिया इनने, क्लॉक्स निकाल इनके गाड़ी में से, वह भागी डरते डरते, किसने कहा था मौसी को गाड़ी, किसने बोला गाड़ी में बैठने के लिए, किसने कहा था, कौन आया था गाड़ी में, क्यों बैठे तुम गाड़ी में, किसका दिमाग चला था गाड़ी में बैठने का, पता है ऐसे दम घुट जाता है गाड़ी के अंदर, सांस रुक जाती है, मर जाओगे, मर जाओगे, लेके जाइने भीतर, गेट भी बंद, ज्योति गेट बंद कर, मैंने तो डर लगा है, ये क्लॉक्स लेके आ शानू कनू के अंदर, कितने बदतमीज हैं देख लो तुम, हवा सरका दी मारी तो इनने कती, इसके जीजू भी उठ गए बेचारे डर के मारे, लड़की की चली गई है, इतने शैतान बच्चे, देख नैना भी यूं कह रही थी अभी यहीं है चलो अंदर, ये भी उठ के बेचारे बाहर देखने गए, अंदर बैठो तुम, अब हिल मत जाना बिल्कुल भी, मैं तो यहां से बस, मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया, आराम से काम भी नहीं करने देते इन्हें, यहीं पकड़ कर रखो, ही मेरे बस की ना, मैंने अपने आना खुद संभालो ना, मेरे पे समझ दे, कम से कम बच्चा ने तो देख लो, बिना देख रही है, कोई गुस्सा नहीं करेगा आप पे, बताओ आपको किसने बोला था, किसने बोला था, किसके साथ कौन था, हमारे साथ आपने बोला, मम्मा फोन क्यों नहीं उठाया, आप हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे, बताओ प्रैंक कर रहे थे क्या, हम सोचे थे हम तुम छुपाई छुपाई खेलते, छुपम छुपाई खेलते थे, सच्ची मुझे नहीं आया काम करा, ऐसे नहीं कोई छुपम छुपाई खेलता है, आज के बाद नहीं खेलोगी ना, ऊपर आ जाओ बच्ची, वन टू थ्री जब खेलते हैं, जब वन टू थ्री करते हैं ना सब बच्चे, और तभी भी गाड़ी में बोलते हैं गाड़ी के अंदर गड्ढे के पीछे छुप जाते हैं या फिर कहीं और छुप जाते हैं, लेकिन गाड़ी में नहीं, ये देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, हम ऊपर रील बनाने आए थे पर अच्छा सूट नहीं पहना, थोड़ी मोटी भी हो गई, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, इस खेत में ना आलू लगा रखे हैं और बथवा भी है साथ के साथ, बथवा तोड़ने डेली आते हैं सब लोग, और बच्चे ऊपर स्टडी कर रहे हैं बैठे, हम रील बना रहे थे, ये मेरे सैंडल पड़े हैं, सैंडलों को उठा के लेके जा रही हूँ मैं अभी क्योंकि पूजा तो सो रही है और बच्चे भी सब सो रहे हैं, पूजा भी सो रही है, बच्चे भी सब सो रहे हैं, और सैंडल में हाथ में लेके जा रही उठा के, रील मेरी बन गई है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी ज़्यादा खास कुछ, क्योंकि सूट ज़्यादा अच्छा नहीं पहना हुआ मैंने, और मोटी भी लग रही हूँ तो इसलिए मन से नहीं बनाई मैंने, जो मतलब मन होता है, बच्चे स्टडी करे, चलो नीचे बेटा अभी लेके आ रही हूँ, हाँ हाँ नीचे आओ फटाफट से, सर्दी हो रही है, 4 दिन से सब थके पड़े थे और ऐसे नींद सो रहे थे खराटे मार मार के, क्योंकि दिल्ली में बहुत थकावट हो गई, बच्चे घूम घूम के, और आज स्कूल जाके और उसके बाद फिर ट्यूशन नहीं गए, सो ही गए थे सब के सब, क्योंकि हम तो दिन में सो लिए थे, लेट उठे थे और ये सब काम निपटा के अभी तक सो रहे थे, तो मैंने कहा सोते रहो आराम से, हमने खाना भी बना दिया था, बच्चों को ट्यूशन जाना ही नहीं था, सबको उठा दिया मैंने, बाय बाय एवरीवन।